वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आगे चलेंगे। सॉरी, कुछ समय से मैं जरा व्यस्त था, इसके लिए आपके और वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया किसी वजह से, और अब फिर उसी स्पेस में हम आगे चलने का काम शुरू करेंगे। आइए, हमने पिछली बार वाटलेस करंट पर बात करी थी। वाटलेस करंट का मतलब वो था, वो करंट जो वाट न ले। वाटलेस का मतलब वाट माने पावर, पावर जो पावर कंज्यूम नहीं करती, इसलिए उसका नाम वाटलेस करंट है। आपको याद होगा, अगर हम एसी सर्किट में ये मेरे पास करंट है और ये ई है और बीच में ये फाई एंगल है, तो इसके आई के मैंने दो कंपोनेंट किए। पहला कंपोनेंट मेरा आता है इस डायरेक्शन में, दूसरा आएगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला होगा आई कॉस वाई जो कंज्यूम पावर करता है, क्योंकि ई और आई के बीच का एंगल, ई और आई कॉस वाई के बीच का एंगल जीरो है, और E और I साइन फाइन के बीच का एंगल 90 है। इस वजह से ये वाटलेस करंट होती है। आप सोच सकते हैं कि वाटलेस करंट का मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ये इसका यूज क्या है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल एक लेके इसको सॉल्व करते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए। दोनों चीजें हो जाएंगी, एक तो आप न्यूमेरिकल थोड़ा समझ जाएंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ में वाटलेस करंट की प्रैक्टिकलिटी आप समझ पाएंगे। देखिए, ये एक क्वेश्चन है मेरे पास। 60 वोल्ट का मेरे पास एक बल्ब है, और उसको मैं एक बार 100 वोल्ट एसी पर लगाता हूं, एक बार 100 वोल्ट डीसी पर लगाता हूं, तो सजेस्ट सूटेबल मेथड्स एंड पावर कंजम्पशन ऑफ दिस सर्किट। सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम होती है और किस तरह इसका काम चलेगा, आइए इसको समझते हैं। देखिए, मेरे पास दोनों केस में वोल्टेज जो अवेलेबल है वो मुझे चाहिए, यहां पर देखिए 60 वोल्ट और मुझे यहां मिल रही है 100 वोल्ट, तो मेरी वोल्टेज सरप्लस है, तो मुझे कुछ वोल्टेज को यहां से गायब करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा, ताकि बल्ब के अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज ना आए। डायग्राम देखेंगे आप, और इसके लिए डिवाइस में आपको पता है वोल्टेज किस में जुड़ती है, सीरीज में, करंट किस में जुड़ती है, पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट है, सीरीज में करंट कांस्टेंट है, लेकिन जुड़ने के नाम पर अगर आप ऐड करेंगे तो आपको सीरीज की अलग अलग वोल्टेजेस को जोड़ करके फाइनल वोल्टेज बनती है। इसीलिए हम एक चीज के सीरीज में लगाएंगे जो कुछ वोल्ट को ड्रॉप करे। अब यहां देखिए, ये मेरा ईएमएफ है और ये रेजिस्टेंस है। मैंने इसके साथ में, इसके अक्रॉस मुझे 60 वोल्ट चाहिए, ये 100 वोल्ट है, ध्यान देना, ये 100 वोल्ट है और ये 60 वोल्ट है। अब मुझे इस पर कुछ ड्रॉप करना है, आइए ढूंढते हैं। इसके लिए मैंने R1 रेजिस्टेंस यहां लगा दिया। अब लॉजिक ये कहता है इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज मिलकर के 100 वोल्ट होनी चाहिए, ये तो 60 है वोल्ट, ये कितना होना चाहिए आप निकाल सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप शुड बी 100 माइनस 60 इक्वल टू 60 वोल्ट। इस R1 के अक्रॉस मुझे 40 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, 40 वोल्ट लगाएंगे और यहां 60 वोल्ट, तो 60 प्लस 40 100 बन गया, अग्रीड। अब मुझे वोल्टेज ड्रॉप तो पता लग गया, परंतु उस वोल्टेज के लिए मैंने रेजिस्टेंस लगाना है, तो मेरा प्रिंसिपल वी इज इक्वल टू आई आर। सीरीज सर्किट है तो आई ने सेम रहना है, हम सोचते हैं इसमें कितना आई जाएगा, देखते हैं। देखिए, करंट हम यहां से निकालते हैं, 60 वोल्ट, 60 वॉट, P इज इक्वल टू वी आई, वैल्यू मैंने पुट कर दी, आई की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई। इसका अर्थ 1 एम्पियर की करंट यहां से गुजर रही है, सीरीज में होने के कारण यहां से भी 1 एम्पियर करंट ही गुजरेगी। अब वोल्टेज तेरे पास 40 वोल्ट है बेटा, V इज इक्वल टू आई आर लगा दीजिए, वी आर वन कितना है 40 वोल्ट, आई हमारा 1 है, आर वन, तो मुझे 40 ओम यहां लगाना है, 60 ओम यहां ऑलरेडी, मतलब सॉरी 40 वोल्ट यहां ड्रॉप करना है, 60 वोल्ट यहां ड्रॉप करना है, तो 40 ओम मैंने यहां लगाया। अब लेकिन इतने के बाद हुआ कि मेरा बल्ब तो ठीक है 60 वोल्ट पे चल गया, पर सर्किट में जो बिजली कंज्यूम होगी, जो पावर कंज्यूम होगी, वो ये भी करेगा और ये भी करेगा, तो पावर करने फिर कितने निकाले, हमने निकाल दिया रेजिस्टेंस, टोटल हो गया 40 ओम यहां पर, 60 ओम यहां,
आई स्क्वायर, तो 100 वॉट मेरी कंजम्पशन हो गई। आप ऐसे भी मान सकते हैं कि इस यहां पर तो 60 वॉट हो ही गई, यहां कितनी होगी आई स्क्वायर आर, तो आई हमारा 1 एम्पेयर, आई स्क्वायर इंटू 40 ओम, 40 वॉट यहां खत्म हो गया। अब यहां बेटा इंपॉर्टेंट बात समझिए, 60 वॉट का बल्ब है पर मैं बिजली कंज्यूम कर रहा हूं 100 वॉट। बल्ब तो मैंने जला लिया पर बिजली मेरी कंजम्पशन 100 वॉट की है। अब जो ये सिस्टम मैंने लगाया, इसमें चाहे आप एसी लगाइए डीसी लगाइए, दोनों में ये काम हो सकता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस लगाइए आप 40 ओम का, तो कंजम्पशन मेरी 100 वॉट रहेगी, उसको आप नहीं बदल रहे हैं। बल्ब मेरे पास 60 वॉट का है, मतलब 40 वॉट की बिजली हम वेस्ट कर रहे हैं। आपके घरों में ये आजकल फैंस में रेगुलेटर लगते हैं, तो आजकल रेगुलेटर बहुत छोटे हो गए हैं, टक टक कर गोल वाले चलते हैं। अगर आपको याद हो पुराने रेगुलेटर जो होते थे कहीं आपको मिल जाएं, वो रेजिस्टेंस वाले बहुत बड़े होते हैं। तो बड़े रेजिस्टेंस में क्या होता था, जो आपने अभी पढ़ा, अगर आपको पंखे को कम वोल्टेज देनी है तो आप पंखे को वोल्टेज कम दीजिए, परंतु बाकी वोल्टेज कहां ड्रॉप होती थी, वो बड़े वाले रेजिस्टेंस में। तो आप देखिएगा वो रेजिस्टेंस, वो हीटर, वो जो रेगुलेटर होता था वो गर्म हो जाता था, इसलिए बहुत बड़ा होता था, प्लास्टिक में बहुत छेद होते थे ताकि वहां से हीट बाहर निकल सके, वो गर्म हो जाता है। तो बिजली मैंने कंज्यूम अपने पर्पस के लिए करी 60 वॉट, लेकिन 40 वॉट मैंने बर्बाद कर दी इन टर्म ऑफ हीट, मेरे काम की नहीं थी। लेकिन अगर यही चीज में, ये तो सिस्टम मेरा एसी वर्सेस डीसी में है, परंतु मैं एक काम और कर सकता हूं, और वो देखिए इस बारी मैंने इसमें इंडक्टर लगा दिया। कहां पर लॉजिक याद रखिए कि इंडक्टर पावर कंज्यूम नहीं करता, ठीक। हम कैपेसिटर भी लगा सकते हैं लेकिन यूजुअली इंडक्टर लगाते हैं, इसके पीछे का कारण आप समझ लीजिए। कैपेसिटर अगर आप लगाएंगे तो वो सर्किट एसी में कभी नहीं चल पाएगा, डीसी वाले में इसमें से करंट फिर भी जा सकती है अगर आप लो वोल्टेज देंगे, इसके लिए यूजुअली ये लगाते हैं। बाकी थ्योरेटिकली कैपेसिटर भी लगा सकते हैं और इंडक्टर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप पिछले न्यूमेरिकल पे ध्यान रखें, एक फर्क देखिएगा, यहां पर वोल्टेज ज्यादा है, अवेल अटैच डिवाइस इन सीरीज मैंने लगा दिया, लेकिन अब इस पर वोल्टेज कितनी ड्रॉप करनी है वो याद रखिए, वो पिछले केस की तरह यहां पर 40 वोल्ट ड्रॉप नहीं करनी, ध्यान रखना। पिछली बार मैंने क्या किया था, 60 वोल्ट यहां और 40 वोल्ट यहां ड्रॉप किया, इस बार 40 नहीं ड्रॉप करना, ड्रॉप कुछ और करना। वो कैसे निकलेगा, वो इस ट्रायंगल से निकलेगा, क्योंकि आपको याद होगा इसमें ट्रायंगल बनता है। ये 100 वोल्ट है जो अप्लाइड वोल्ट है, ये 60 वोल्ट जो मुझे चाहिए, तो ये कितनी होगी आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, इट इज 80 वोल्ट। अगर आप कैपेसिटर या इंडक्टर का प्रयोग करते हैं तो आपको वोल्टेज ड्रॉप 80 वोल्ट करनी है। याद रखना अप्लाइड वोल्टेज 80 प्लस 60 नहीं है, मैंने जब डेरिवेशन कराया था तब भी आपसे कहा था इन डीसी वोल्टेज अक्रॉस इंडिविजुअल एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो फाइनल वोल्टेज मिल जाएगी, लेकिन एसी में ऐसा नहीं है क्योंकि ट्राइंगल बनता है इस वजह से। अब देखिए तो 100 यहां हो गया, 60 इधर हो गया, आपको यहां 80 वोल्ट को ड्रॉप करना है। आइए अब करंट तो मेरी वही अपनी पीज गुड़ वी आई निकाल लिया आपने, वो तो नहीं बदली, करंट तो वही आई। अब मुझे कितना लगाना है, 80 वोल्ट, वी एल कितना बेटा, 80 इज आई इंटू एक्सएल, आई करंट 1 एम्पियर है, एक्सएल 80 ओम आ गया। अब इस सिस्टम का जो फायदा है वो समझिए, हमने वोल्टेज 60 वॉट बल्ब कंज्यूम किया लेकिन इसने बिजली नहीं खानी है क्योंकि ये कंज्यूम नहीं करता पावर। सर्किट का रेजिस्टेंस कितना कुल पुराना है, तो 60 वॉट मतलब इसका ही चलेगा, इसका रेजिस्टेंस 60 वॉट है, 60 ओम है, तो इतने हिस्से में, क्योंकि ये हिस्सा करंट कंज्यूम करता ही नहीं है इंडक्टर, अगर ऐसे समझना हो। लेकिन कई बार आपके मन में नहीं सर फॉर्मूला भी तो था, उससे भी निकाल लेते। आइए फॉर्मूला क्या था, ईवी आईवी कॉस फाई ना बेटा, तो ईवी कितना है 100 वोल्ट एसी का, आईवी कितना है 1 एम्पियर, कॉस फाई लगाना पड़ेगा। अब कॉस फाई क्या, यही ट्रायंगल देखो बेटा, आर बाय जेड, दिस इज 60 बाय 100, आर बाय जेड ले लो, वी आर बाय ई ले लो, बात तो वही आएगी, ये 60 वोल्ट। तो इस सिस्टम का फायदा क्या हुआ कि मैंने एसी को, हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि एसी को मैंने यूज किया, 60 वॉट का बल्ब था,
मैंने इंडक्टर लगाया तो मैंने, हालांकि ड्रॉपेज मेरा 40 वोल्ट ना होकर के 80 वोल्ट है, परंतु इसके बावजूद वो 80 वोल्ट भी कंज्यूम कुछ नहीं कर रहा, मेरी बिजली का नुकसान नहीं हो रहा। इसीलिए आजकल के छोटे रेगुलेटर हैं, वो इंडक्टर पर बेस्ड होते, इसलिए वो गर्म नहीं होते, इसलिए छोटी जगह पे फिट आया दे। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए कि एसी को यूज करने का बहुत बड़ा रीजन है, एक ट्रांसमिशन का रीजन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसकी बात खत्म करते हैं। अब हम एक और शब्द की बात करते हैं, सर हम क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर। देखिए हमको मालूम है जेड क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। जेड की वैल्यू मिनिमम कब होती है, जब जेड आर के बराबर होगा, एक्सएल एक्ससी बराबर होंगे। अगर आप ओमेगा को उस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से बदलेंगे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी बेटा, जब एक्सएल इक्वल टू एक्स सी किया, ओमेगा वन बाय रूट एल सी आ गया ना, उस ओमेगा को मैंने बदला तो मेरा जेड बढ़ जाएगा। अब इसको समझो, तो हुआ क्या, यहां देखो ध्यान इस वाले पर करना, 3.5 ओम वाला, ये ब्राउन वाला कर्व है। हुआ ये कि ओमेगा नॉट ये है, इस समय एक्सएल एक्ससी बराबर है और मेरे पास मैक्सिमम करंट मुझे आ रही है। जैसी मैंने ओमेगा को बढ़ाया, या तो एक्सएल बढ़ जाएगा या एक्ससी बढ़ जाएगा, दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा तो जेड बढ़ जाएगा, और जेड बढ़ेगा तो करंट कम होगी। हुआ ये, अब देखिए ओमेगा को जैसे ही आपने वेरी किया, करंट मेरी कम हुई, करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ है, करंट कम होनी शुरू हो गई, ये ग्राफ है। आप 5 ओम ये 10 ओम अलग अलग बनाए हैं, पर मैंने आपको कैलकुलेशन के लिए ये वाला हिस्सा यहां रखा है, ये ओमेगा मेरे पास आ गया। जरा इसको सोचो, पावर क्या होती है, आई स्क्वायर आर, आर मेरे पास यहां कितना 3.5 ओम, आई मेरा कितना है 1.4 मैक्सिमम वाली बात करूं तो 1.4 का स्क्वायर हो गया 1.96, रफली 2 ओम और इनटू 3.5, मैंने 7 वॉट के अक्रॉस इस पर पावर आई। तो अब मैं यही ग्राफ पावर पर बना रहा हूं, ये पावर आ गया, देख सकते ये 7 वॉट है, ठीक, फ्रीक्वेंसी मेरी हुई है। अब 7 वॉट का आधा कितना होगा जी, 3.5 वॉट। तो मैंने क्या किया, 3.5 वॉट पर ये लाइन खींच दी, ये देखिए इसको यहां ले गए, मेरी इतनी पावर, इतनी हाफ पावर के लिए मुझे इससे इतने के बीच में ओमेगा रखना है। मतलब अगर मैं ओमेगा को इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू के बीच में रखूंगा, मुझे कम से कम आधे से ज्यादा पावर मिलेगी, इन्हीं को हाफ पावर पॉइंट्स बोलते हैं। ये वाली करंट आई, ये पावर में बताया, लेकिन करंट √2 टाइम्स आएगी तो वो वैल्यू यहां आएगी। अब हम इसकी वैल्यू निकालते, देखो हमने इसको ये कर दिया और ये कर दिया, मतलब ये मेरे पास ओमेगा, अब ये देख रहे हो ये आगे, तो मतलब यहां से यहां के बीच में मेरा ओमेगा सेम जो होगा, मुझे कम से कम हाफ पावर मिलेगी, वही मैं करंट। अब क्यू फैक्टर को हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं वो देखिए, ये कहा जाता है रेजोनेंस के वक्त रेशियो वोल्टेज के और रेजिस्टेंस के, ये बेटा वी आर होना चाहिए, वी आर, वी एल वी सी टू वी आर, इस रेशियो एट रेजोनेंस का नाम क्वालिटी फैक्टर है। अब वी एल या वी सी दोनों हमने स्लैश करके क्यों लिखा, आपको पता है रेजोनेंस पर वी एल वी सी बराबर होते हैं। अब निकाल देते हैं इसको, चलिए हमने वी एल से निकाला, वी एल क्या बना, आई एक्सएल, आई आई कैंसिल हो गया, एक्सएल बाई आर बन गया, एक्सएल क्या था ओमेगा एल, ओमेगा क्या था 1/√ एल सी, तो ये हमारे पास क्यू फैक्टर आ गया। ये इसकी शार्पनेस को बताता है, इसकी वैल्यू इधर से क्या होती है, दिस ओमेगा नॉट 10, ऊपर ये डेल्टा ओमेगा, ये दोनों बराबर हैं। अब हम डेल्टा ओमेगा निकालेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी के दौरान मेरे को कम से कम आधे से ज्यादा पावर मिलेगी, वो मैंने ये वैल्यू निकाली, इट कम्स आउट टू बी रफली 9 क्वालिटी फैक्टर, ये इससे निकाला मैंने, इससे 9। अब हम इसको इससे इक्वेट करते हैं, दूसरे वाले पोर्शन इससे, तो मेरे पास डेल्टा ओमेगा 1.11 आ गया, इसका मतलब 10 से इसका आधा लगभग 0.55 आएगा, तो 0.5 आगे और इससे 0.5 पीछे, इसके बीच में मुझे कम से कम आधे से ज्यादा पावर मिलेगी। तो ये एक क्वालिटी फैक्टर है जिससे आप समझते हैं क्या हमको मिनिमम से आधे से ज्यादा पावर के लिए कितनी ओमेगा की वेरिएशन अलाउड है। आई प्रिज्यूम आपको ये क्वालिटी फैक्टर
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड से या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी फैक्टर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हाँ, फॉर्मूले पता होने चाहिए, इस पर क्वेश्चन स्टेट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। दैट्स ऑल, आई प्रिज्यूम आपने समझ गया। नाउ विल स्टार्ट अवर क्लास एज रेगुलर। अगेन आई एम सॉरी फॉर द गैप इन बिटवीन एंड विल प्रोसीड फर्दर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।